नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। 6 गेंदों पर चाहिए थे 9 रन। स्मिथ ने अजीबोगरीब शॉट से छक्का जड़कर दिलाई अपनी टीम को जीत। देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। दोस्तों, क्रिकेट में T20 फॉर्मेट आने के बाद बल्लेबाजों ने नए नए शॉट की रचना की है। ऐसे ही एक बार देखने को फिर से मिला है दोस्तों। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के घरेलू T20 लीग सुपर मैच में दोस्तों आपको बता दें, वेलिंगटन और ओटागो के बीच खेले गए आखिरी ओवर का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ओटागो के लिए दोस्तों ये ओवर फास्ट बॉलर डफी करने आए थे। लास्ट ओवर से वेलिंगटन की टीम को दोस्तों जीत के लिए 9 रन की जरूरत थी। ऐसे में डफी ने ओवर की पहली गेंद दोस्तों तेज और उछाल के साथ फेंकी, जिसे बल्लेबाज ने अलग ही अंदाज में विकेट कीपर के ऊपर से पीछे की तरफ से दोस्तों उछाल दिया। साथ ही दोस्तों जैसे ही उन्होंने बॉल को उछाला, वो 6 रन के लिए बाउंड्री के पार चली गई। दोस्तों आपको बता दें, इस मैच को वेलिंगटन की टीम ने 4 बॉल पहले ही जीत लिया। दोस्तों आप हमारी वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं, किस तरीके से बल्लेबाज नेथन स्मिथ ने कितने शानदार तरीके से रैंप शॉट लगाया। दोस्तों ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप हमारे वीडियो में कुछ खास फुटेज देख सकते हैं। इस वीडियो में यही अपडेट, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।